ये देखिए मेरा चाय के संग मैगी पकोड़ा, मैगी पकोड़ा बोलिए, मैगी कटली बोलिए। चलिए अगले रेसिपी पे फिर मिलेंगे। ये देखिए मेरा मैगी पकोड़ा, मैगी पकोड़ा, ये मैगी पकोड़ा बन गया है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, इतना क्रिस्पी है। और ये बरसात में इस समय पानी बहुत पानी बरस रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है, शाम का नाश्ता चाय के संग। आप इसी तरह मेरे चैनल से मिलते रहिए और मुझे अपना कमेंट्स देते रहिए, इसके लिए धन्यवाद। अगली रेसिपी पर फिर मिलूंगी, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ, आज यहाँ बॉम्बे में बहुत बारिश हो रही है, तो शाम के नाश्ते में मुझे मैगी का पकौड़ा बनाना है। तो मैगी का पकौड़ा बनाने के लिए मैंने दो आलू, बड़े बड़े आलू बॉयल कर लिए हैं और एक अंडा बॉयल कर ली हूँ। अब इसका पकौड़ा कैसे बनाएगा, बड़े मज़ेदार होते हैं खाने में, आप देखिए। ये देखिए मैंने ये दो बड़े बड़े आलू बॉयल किए हैं और एक अंडा। अब इसको मुझे कद्दूकस करना है। ये देखिए मैं इसे इस बड़े वाले ग्रेटर में इसे मैं कद्दूकस करूंगी। इस तरह से आलू भी कद्दूकस, आलू कद्दूकस कर लूंगी। इसके बाद इसको अंडे को कद्दूकस कर लूंगी। देखिए एक आलू एक अंडा कद्दूकस कर लिया है। अब मैं सारे आलू को कद्दूकस करके फिर आऊंगी। अब देखिए अब ये मैंने कस लिया है सब आलू को, आलू अंडा वगैरह सब कस लिया है। अब मैं इसमें देखिए ये आधा प्याज मैंने बारीक काट लिया है और दो हरी मिर्च, इसको मुझे दे देना है। आप स्वाद अनुसार नमक दीजिए, मैं तो 1/4 टेबलस्पून में नमक दूंगी, हल्का सा नमक बस, मैं ज़्यादा नमक नहीं लेती हूँ। और इसमें चावल का आटा 2 चम्मच जाएगा, ये चावल का आटा। ये 2 चम्मच जाएगा। अब मैं सान लूंगी। सानने के बाद मैं
आपको सेब दूंगी, कोई भी आप सेब दे दीजिए, कोई भी सेब दे दीजिए। कटलेट सेब दीजिए या पकौड़ा सेब दीजिए, जो भी, मैं तो ऐसे ही सेब दे रही हूँ, कटलेट सेब दे रही हूँ मैं। अब जो भी सेब चाहे दे दीजिए। इस तरह से अब बनाने के बाद फिर मैं सब बना लूंगी, फिर मैं आऊंगी। अब देखिए अब ये देखिए मेरे 10 पीस हो गए हैं। अब मैं इसको, ये मैगी का एक पैकेट लिया है मैंने, अब इसको जरा सा हाथ शेक रेड कर लूँगी बहुत ज़्यादा। अगर नहीं होए तो आप इस बेलन से दो बार ठोक लीजिए ऐसे। ये हो गया। अब मैं इसे काटूंगी, काट के फिर इसमें मसाला है, ये मसाला उसका, ये मसाला मैं दूंगी उसमें। अब इसको मैं बिछा दे रही हूँ। ये हो गया मेरा, ये भी हो गया मेरा। अब ये मैं बैटर बनाऊंगी। बैटर बनाने के लिए मुझे ये मैगी का पैकेट लेना है, ये मैगी में नमक में रहता है थोड़ा, तो इसके लिए आपको अगर होगा तो आप नमक दीजिए, अगर ज़रूरत होगी तो आप नमक दीजिए, नहीं तो मैं तो बहुत थोड़ा सा नमक दूंगी, बहुत थोड़ा। जिसने जो मैदा देना है, मैदा कोटिंग के लिए, इसमें कोटिंग जाएगा ना, ये कोटिंग के लिए मुझे मैदा थोड़ा देना है। ये मैंने 1 चम्मच, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच तो दे रही हूँ, 3-4 चम्मच दे रही हूँ मैं। इसके बाद देखिए कितना लगता है, थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी चलेगा, थोड़ा सा हल्का सा नमक, हल्का सा, बहुत ही थोड़ा नमक। ये देखिए मैं थोड़ा बहुत नमक दे रही हूँ, एकदम थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर बेकार लग जाता है खाने में, तो इसलिए चादर से मिला के
थोड़ा सा और, थोड़ा सा बस। मिला दे अच्छी तरह से बस। एक मैं ट्राई करके देख लूं। ये देख लीजिए इस तरह से मैं करके इसमें दूंगी। इस तरह से ये सब कर लेना है, देख रहे हैं आप इस तरह से। इस तरह से मुझे कर लेना है। अब मैं इसमें बगल में रख दूंगी। ऐसे ही मैं करके पूरा आपको दिखा करके इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से मुझे सबको बना लेना है। ये देखिए ये मैंने दे रही हूँ। इसको फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से मेरा सब फ्राई होगा। ये देखिए मैगी पकौड़ा, मैगी पकौड़ा बोलिए, मैगी कटलेट बोलिए, ये क्रिस्पी बना है, बहुत ही क्रिस्पी। ये आप सॉस के संग खाइए। इस तरह से फ्राई होगा जैसे लाल क्रिस्पी बना के आप खाइए, और चिली सॉस के संग खाइए या टोमेटो सॉस के संग खाइए, ग्रीन चिली ग्रीन चटनी जैसे वो पुदीना धनिया पत्ता इसका चटनी बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहा है। ये बन गया। अगर आप लाल चाहो और भी लाल बना लो, मैंने इसको जरा लाल कम किया है, कोई बात नहीं। तेज बना दूं जरा गैस को। इस तरह से मैं सब बना करके आपको दिखा दिया। और घर में ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स आप मुझे दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। ओके धन्यवाद नहीं, मैं आपको फिर पूरा आके दिखाऊंगी। ओके ये देखिए मेरा मैगी पकौड़ा,
ये मैगी पकौड़ा बन गया है और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, इतना क्रिस्पी है। और ये बरसात में इस समय पानी बहुत पानी बरस रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है, शाम का नाश्ता चाय के संग। आप इसी तरह मेरे चैनल से मिलते रहिए और मुझे अपना कमेंट्स देते रहिए, इसके लिए धन्यवाद। अगले रेसिपी पे फिर मिलूंगी, धन्यवाद।